लव जिहाद के मामले में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने यहाँ बिना किसी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि कटनी के अल्पसंख्यक मोर्चा के एक महोदय भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। जबलपुर से NIA ने जिस वकील को पकड़ा था उसके संबंध में कटनी के महोदय से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन इन महोदय की जाँच करे। साकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जाँच मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। इन लोगों के कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अभी जो लोग जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर एक वकील जो पकड़े गए हैं NIA के द्वारा, उनका भी संबंध किसी न किसी इस रूप में है। कटनी का भी एक अल्पसंख्यक महोदय, वो भी उनके साथ कनेक्ट हैं। मैंने कटनी के प्रशासन को भी मांग की है कि इनके क्या कनेक्शन हैं, और ये जो लव जिहादी इस प्रकार से इन्होंने जिहादी साम्राज्य खड़ा किया है, दमोह की घटना पर कड़ा कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। और इनके टेरर फंडिंग में और देश विरोधी ताकतों के साथ इनका कहां कनेक्शन है, इसकी पूरी जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैं वहां के दमोह के जिला प्रशासन को भी मैंने कहा केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हमने उसकी मान्यता समाप्त कर दी है। हजारों एकड़ जमीन कहाँ से आई, किन लोगों को इन्होंने इस दिशा में टेरर फंडिंग के माध्यम से इस काम किया है, इसे इनके सारे कनेक्शन की जांच मध्य प्रदेश के अंदर, ये किनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या इनका आतंकी और बाकी गतिविधियों से संबंध है। दमोह की घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी अलर्ट हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं गंभीरता के साथ टेरर फंडिंग से लेकर के अन्य चीज़ों की जाँच दमोह के अंदर होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल ये